स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल पर एक बार, जहां आपको देखने को मिलती है खूब सारी बकचोदियां विदाउट एनी एड ब्रेक्स, बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम लोग की बकचोदियां यूं ही, और दिखाते रहिए प्यार अपना कमेंट्स में। तो फिर भाई आज क्या पेश करते हैं वीरों को? आज हम लोग इनको पेश करेंगे कुछ मैरी क्रिसमस टाइप का। आया है क्रिसमस भी आ रहा है, क्रिसमस सेंटा क्लॉज आया है क्या बन के? सेंटा क्लॉज बन के आया है, ट्रेलर आया है, हिंदी ट्रेलर, मतलब ये शायद किसी और लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। तो इसमें विजय सेतुपति लाइक ऑलवेज लेजेंडरी एक्टर, इसकी अप्रिसिएशन बनती है। ये नहीं कि किसी को भी अप्रिशिएट कर दिया, साला चार लोग खड़े हो गए उसके पीछे। तो बाकी फिर मूड खराब करने वाली एक्ट्रेस कटरीना कैफ, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो ऐसे ही कुछ जाने माने चेहरे हैं इसके थंबनेल पे, मैंने देखा था, सबके तो नाम मुझे नहीं पता है। एक वो वाला है दिलबर, दिलबर वाला, दिलवर दिलवर। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, देखा जाए मैरी क्रिसमस में क्या है। जब से ये दुनिया बनी है ना, हम सबको एक ही पल की तलाश है। वो पल जब आता है ना, तो समझ में आता है कि सैकड़ों साल से चलती हुई जिंदगी इसी पल के लिए थी। मुझे तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अयो सॉरी है, माय नेम इज। तो तुम सिंगल हो या मुझे देख के अपनी वरी रिंग पॉकेट में डाल दी? वो लंबी कहानी है। 12 बजने वाली है, क्रिसमस साथ मनाएं। मेरे लिए 3 घंटे एक खूबसूरत सपने की तरह थे। अब इससे पहले कि बेल बजे और मैं जाग जाऊं, मुझे निकल जाना चाहिए। चूज वन। The night is darkest just before dawn. Rajasthan. The good Lord knew how to keep me in the right place at the right time. I'm a lone wolf. हम जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए, हमारे लिए उसका प्यार मर जाए। मरते तो हम ही है ना। Good choice. Sometimes violence is better than sacrifice. और फिर एक भयानक राक्षस माँ और बेटी दोनों को उठा के लेके गया। क्या भाई साहब, पूरा ट्रेलर सन्नाटे में निकाल दिया आपने। ये तो कुछ क्राइम थ्रिलर टाइप का लग रहा है, सस्पेंस वाला मूवी। हाँ वही है, ये तो ऐसे बनाता ही है ना। हाँ ये तो आता ही है। नहीं अब जैसे उसमें आया था, क्या नाम है, जवान थी, वो कौन सी मूवी थी, उसमें भी तो है विजय सेतुपति, तो उसका रोल किया है ना, अपोजिट था उसके शाहरुख खान के। लड़की का बाप बनता है, लेकिन मुझे लगता है ये मूवी ना बांध के रखेगी लोगों को, पूरा एंगेज करके रखेगी। हाँ उसमें पूरा थ्रिल है और वो क्या बोलेंगे, और भूल गया वर्ड्स, क्राइम है, थ्रिलर है, सस्पेंस रहेगा, सस्पेंस क्या चल रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे इसमें देखना। तो इसमें मेन मेन लोगों को तो भी दिखाया ही नहीं गया है। राधिका आप्टे जो एक अच्छी खासी एक्ट्रेस है, उसको नहीं दिखाया अभी इसमें। संजय कपूर तो खैर आ गया था, और भी लोग हैं जैसे, उन लोगों को नहीं दिखाया है। मेन लीड 3 लोग को दिखा दिया है अभी कास्ट के नाम पे। और एक चीज और मेरे को समझ में नहीं आई, इसने बोला कि तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया अभी तक, कि जब वो नाम बताने को स्टार्ट किया तो उसको मुंह बंद कर दी। क्या है ये लड़कियों का नाटक, या कटना क्या देख के उसने ये डायलॉग दिया जो राइटर था, यहाँ तुम्हारे ऊपर यही सूट करेगा। मुझे लगता है पूरी मूवी एकदम वीआईपी जा रही होगी, एकदम स्मूथ फ्लो, एंड कटना के बीच बीच में पूरी फ्लो खराब करेगी। ये तो हो सकता है कि ऐसा किया हो उसने, मतलब उसकी शक्ल देख ले इंसान के, अच्छी पहले एकदम बढ़िया। बाकी मुझे लग रहा है कि सारे ने सीरियस करेक्टर एक बढ़िया, बड़े मस्त मूवी, इसकी शक्ल ना मैच ही नहीं करती मेरे मूवी से।
और सेतुपति सीरियस प्लस थोड़ा कॉमिक रहने की कोशिश करता है हाँ। कि मजाक करते हुए वैसा वाला विलन नहीं, सीरियस मजाक गाड़ मार देता हाँ। मगर अब पंगा ये है कि यहाँ तो सनातन वर्सेस जीसस वाला सीन होने वाला है। क्राइस्ट, 5 जनवरी 12 को ही वो आ रही है, हनुमान द पावर बॉय, हमारे हीरो का राज्य आने वाला। हनुमान ही ज्यादा चलेगी, हनुमान ही ज्यादा चलेगी ना ये वाला मूवी। ऐसा नहीं, मूवी खराब नहीं होगी, मूवी अच्छी रहेगी, बट इसको क्रिश्चियन देखने जाएंगे, उसको सनातनी लोग क्रिश्चियन क्रिश्चियन मतलब नहीं है हाँ। इसमें सिर्फ एक वो डे है क्रिसमस, मेरी क्रिसमस मतलब एक डे के ऊपर वो है पूरा सीन हाँ, कि क्रिसमस वाली रात को ही सारी चीजें होंगी हाँ, उस दिन कुछ चोरी हो जाएगी भयंकर टाइप से हाँ। बाकी इसको क्रिश्चियन से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, तो और हनुमान मूवी में हनुमान से ऐसा कुछ उसने वो नहीं दिया हैंड वर्क, सुपर हीरो सुपर पावर बनाई है, बट कहीं ना कहीं इमोशन तो थोड़ा वैसे ही जाएगा ना। अब जैसे कि हॉलीवुड में क्या करते हैं वो लोग, एक तरीके से सैंपल इकट्ठे करते हैं हाँ। वो करते हैं टेस्ट वेस्ट करते हैं, उसमें गलती से होता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग चलता है, इसमें कुछ वरदान मिलता है अपने, तो इसमें कुछ वो नहीं है कि कोई हो जाए कि मेरा धर्म कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब धर्म की लड़ाई नहीं होगी इसमें, कंटेंट के ऊपर लड़ाई होगी। और सीधी सी बात है भाई, क्राइम थ्रिलर तो बहुत टाइम से आ भी रहा है, तो लोग थोड़ा सा ना एक बार ये भी होगा कि इसको तो देख लेंगे बाद में, बट सुपर हीरो की मूवी अभी लोगों को बहुत मन है देखने का, ऐसा सीन रहेगा। मेरे को तो पर्सनली ये रहता है इस टाइप की मूवी, थ्रिलिंग वाली, क्राइम वाली, मैं अपना कंफर्ट एरिया में बैठ के है ना, अकेले में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, हुआ नहीं करे हाँ, ताकि पूरा एंगेज हो जाए हाँ, एकदम बढ़िया अपने घर में बैठ के देखे। क्या लगता है, हिट है फ्लॉप है? नहीं ऐसा नहीं, फ्लॉप तो नहीं होगी, मतलब फ्लॉप नहीं, सुपर डुपर हिट नहीं बोलोगे, लेकिन फ्लॉप नहीं है और ठीक जाएगी, कमा लेगी अच्छा खासा है ना हाँ, बढ़िया जाएगी, और लोग भी ऐसा नहीं नेगेटिव रिव्यू नहीं देंगे उसके, जैसे हम लोग और एनिमल से मिला हाँ। ये बात तो है, वही है, जब तक अच्छे अच्छे एक्टर्स लिए जाएंगे कैटरीना कैफ के अलावा तो मूवी तो अच्छी बननी है। मूवी यार एक्टर्स के ऊपर होती है, लेकिन मूवी कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट तो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे एक्शन डायरेक्टर है इस बार हीरा यादव, तो उसने ओवर एक्टिंग नहीं करवाई होगी क्या? हो सकता है मैं तो बहुत कुछ बोल देता है, कि हम लोग अभी बंधे हुए हैं, बंधे हैं भैया, बंधे वैसे नहीं है लेकिन जानबूझ के हम लोग चुप हैं इस चीज में, जातवाद नहीं लाना चाहते, चलो इसको भी खत्म करते हाँ। मूवी तो हिट है भैया, ये हिट इन द सेंस, ये नहीं कि ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग हो या थिएटर्स में इसकी बुकिंग फुल हो जाए, बट ये है कि जो भी इसको देखेगा तो इसका रिव्यू खराब नहीं देने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं तुमको ना आंखों में कंकड़ टाइप का भटके हाँ, वो आके कुछ ना कुछ करते, बट कह नहीं सकते यार क्या पता। एक्टिंग तो ऐसा नहीं है कि एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन ठीक ठीक कर लेगी, वही है ना कि स्क्रिप्ट कैसी मिलेगी। अब टाइगर 3 जैसा स्क्रिप्ट मिलेगा तो अच्छा अच्छा एक्टर गान मरवा लेगा है कि नहीं, तो वही है। चलो तो मेरे हिसाब से तो भैया ये मूवी दिमाग में बैठ जाएगी जब देखेंगे, तो लोग बातें करेंगे इसके बारे में, मस्त मूवी है, तुमने कैसे मिस कर दी, और यही सीन यही चीज तो चाहिए होती है। बाय कर दो तो भैया इस वाली के लिए इतना ही, चलो भाई सायोनारा।